पांच कतल कर दिते गए, जिदे अंदर मां बाप भरजाई ते सोना चन वर्गा भतीजा कतल कर दिता गया। मेरे भाई का किया, मेरी मामा का मर्डर किया, मेरे बाबा का, मेरी छोटी भैन का, मेरी छोटी दादी का, मेरे भतीजे का। इस बंदे ने कतल किया जेड़ी मां ने इनू जन्म दिता, ते अज इन्हें उस मां नू कतल कर दिता। ये रिश्ते इन्हां कंडिया दी वर्गू चुगबन लापे ने। मां जिन्हें इनू रोटी खानी दसी कि रोटी किस तरह खाधी जाती है, उस मां नू कतल किया। उस मां नू इस बदनसीब ने कतल किया जेड़ी मां ने उंगली फड़ के चलना सिखाया, जेड़ी मां ने दुनियादारी इस बंदे नू दसी। ये बंदा टलिया ना, इन्हें जेड़ा तीसरा हमला किया, इस शख्स ने अपनी भैन दे उते इन्हें हमला किया। सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों ते मेरे चन्न वर्गे सोने वीरों, इशफाक भट्टी तुहानू सलाम अर्ज करदा है। प्रोग्राम तुसी वेंदे हो साडे पंजाबी झटके। पंजाबी झटके दे अंदर अज गल करांगे जिला शेखूपुरा दी। शेखूपुरा दे अंदर एक अफसोसनाक वाकया होया जिहदे अंदर एक घर दे पंज अफराद कतल कर दिते गए। यह कतल क्यों होए ते किन्ने कीते कतल, दोस्तों जेड़े रिश्ते ने ना, ये रिश्ते यकीन करो इन्हें कंडिया की तरह चुभन लग पे ने। रिश्ते बड़े सोने रिश्ते होंदे सन, लोग एक दूजे दे नाल प्यार करते सन, मुहब्बत करते सन, ते अज इन्हें कंडिया की तरह चुभन लग पे ने। यकीन करो ये जेड़ा वाकया होया, एक घर के अंदर एक बेटे ने अपनी मां नू प्यो नू भरजाई नू ते चन्न वर्गे भतीजे नू कतल कर दिता। क्यों किया कतल, अज तुहानू असी अपने प्रोग्राम के अंदर जिहड़ा तुसी साडा बड़े प्यार दे नाल प्रोग्राम वेंदे हो पंजाबी झटके, अज तुहानू इस प्रोग्राम के अंदर अज इस वाकया दे मतलब मुकम्मल तफसील दसांगे। ये रिश्ते इन्हां कंडियां दे वर्गू क्यों चुभन लग पे ने, अज इहो तुहानू असी दसना है इस प्रोग्राम के अंदर। जिला शेखूपुरा की एक आबादी के अंदर पांच कतल कर दिते गए, जिदे अंदर मां बाप भरजाई ते सोना चन्न वर्गा भतीजा कतल कर दिता गया। इस बदनसीब शख्स ने आखिर कतल क्यों किया, उस मां नू इस बंदे ने कतल किया जिहड़ी मां ने इहनू जन्म दिता, ते अज इहने उस मां नू कतल कर दिता। वह मां जिहड़ी इहनू गिली जगह तो दूसरी जगह पर शिफ्ट करती सी, ते आप उस गिली जगह पर बह के रात गुजारती सी, उस मां नू कतल किया इस बदनसीब ने। वह मां जिन्हें इहनू रोटी खानी दसी कि रोटी किस तरह खाधी जाती है, उस मां नू कतल किया। उस मां नू इस बदनसीब ने कतल किया जिहड़ी मां ने उंगली फड़ के चलना सिखाया, जिहड़ी मां ने दुनियादारी इस बंदे नू दसी। अस उस मां नू इस बंदे ने कतल किया। मेरे सोहने नबी ने भी यह फरमाया है कि मां एक जन्नत है, इन्हें अज जन्नत खोली, उस मां नू कतल कर दिता इन्हें। आखिर इस बंदे ने अपनी मां नू कतल क्यों किया, ये रिश्ते इन्हां कंडियां दी वर्गू चुगबन लापे ने। यकीन करो कि वह मां जिन्हें बड़े प्यार दे नाल लाडा दे नाल इन्हू पालिया, वड्डा कीता, जवान कीता, ते बड़े सुख लैन वास्ते बड़ी आसां उम्मीदां रखियां, उस आसां उम्मीदां दा इस बंदे ने, इस बदनसीब शख्स ने, मैं कहना इस बंदे नू की कहिए अज कि इस बंदे ने दोजक अपने वास्ते खरीद लिए, ते अपनी मां नू भी कतल कर दिता चंद पैसों की खातर। अपने मां बाप को पैसे मंगता सी, वो पैसे ना दे सके, ते इस बदनसीब शख्स ने उन्हों मां अपनी नू कतल कर दिता। आओ इन्हां दा एक फैमिली मैंबर उदी जबानी तुहानू असीं बयान सुनाने आ कि उन्हें सानू
इस प्रोग्राम दे अंदर की बयान रिकॉर्ड करवाया? मेरा नाम आपदा परवीन है, मेरे भाई ने जो किया, मेरी मामा का मॉडल किया, मेरे बाबा का, मेरी छोटी बहन का, मेरी छोटी दादी का, मेरे भतीजे का, उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम आपके साथ हैं। उसे क्यों कत्ल किया सारे बार? उसको वजह ये थी, सिर्फ 70,000 रुपया कह रहा था, इसके ऊपर और कोई वजह नहीं हो सकती। ऐसा चुराग किसी के घर में पैदा ना हो जो ये काम करे। मेरे सजनों ते बेलियो ते मित्रों, बड़ा अफसोसनाक वाकया जिहड़ा तुहानू अज असीं सुना रहे हां। इस वाकया दे अंदर मां नू कतल करन तो बाद जालम अपने बाप की तरफ वधिया। वो बाप जिन्ने सारी जिंदगी इस शख्स नू मेहनत करके बाप ने पालिया, जवान किया कि मेरे एक दिन सहारा बनेगा, इस जालम ने सुत्या होया अपने बाप नू इस बंदे ने कुवाड़ियां दे वार कीते ते सुत्या होया उन्हूं समा ही दिता। इस जालम ने उस बाप नू कतल किया जेड़ा मेरे हजूर ने कहा कि बाप एक जन्नत दी कुंजी है। अज इन्हें कुंजी अपने हथों गवाती, जन्नत भी गवाती, कुंजी भी गवाती। इस जालम बंदे नू असी एक दरिंदा कहांगे, ओ दरिंदा कहांगे कि जेड़ा माफी दे लायक नहीं। इस शख्स नू उस तख्त ते लटका के मारना चाहिए कि पूरी दुनिया वास्ते एक इबरत दा निशान बन जाए। ओ मां बाप जेड़ा अपनी औलाद नू जवान इसलिए करता है कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, माँ बाप सोचता जड़िया मेरिया उम्मीदा है पूरिया करेगा, मेरा नाँ रोशन करेगा इस दुनिया के अंदर। माँ बाप ख्वाहिशा उम्मीदा लैके औलाद नू जवान करते ने, अज वो ही औलाद कुहाड़ी लैके वार करके खूनों खून माँ बाप नू करके कतल कर देवे ते जमीन भी जड़ी इस बंदे नू पनाह नहीं देगी। अपने बाप नू कतल करन तो बाद ये बंदा टलिया ना, इन्हें जरा तीसरा हमला किया। इस शख्स ने अपनी भैन के उत्ते इन्हें हमला किया, अपनी भैन भी इन्हें कलवाड़ियां मार के दरिंदगी का मजहारा किया। उस भैन नू कि जड़ी सोचती है कि मेरा वीर कह किन्ने जरा तीसरा हमला किया। इस शख्स ने अपनी भैन के उत्ते इन्हें हमला किया, अपनी भैन नू भी इन्हें कलवाड़ियां मार के दरिंदगी का मजहारा किया। उस भैन नू कि जड़ी सोचती है कि मेरा वीर कह कह के अपनी जबान थका लेंदी है, ख्वाहिशा उम्मीदा सारिया जहार कर दी अपने वीर दे अगे, उस भैन नू इस बंदे ने माफ ना किया, उन्नू भी कलवाड़ियां मार के तीसरा कतल इस बंदे ने कर दिता। नाजरीन अज तुहानू इस प्रोग्राम के अंदर एक खतरनाक स्टोरी जिला शेखुपुरा दी असी अज दास्तान तुहाडे सामने रख रहे हैं कि यह जिहड़े रिश्ते ने कंडियां वर्गू क्यों चुभन लग पे ने। रिश्ता रिश्ता नहीं रह चुकिया, मुहब्बत मुहब्बत नहीं रह चुकी, प्यार प्यार नहीं रह चुकिया, हर रिश्ता जिहड़ा ना वह कंडियां वर्गू चुभन लग पिया, रिश्ते ते तबार नहीं रह चुकिया। आखिर क्यों ऐसा हुंदा पिया, कीड़ी वजह है कि साड़ी मुहब्बतां प्यार मुहब्बत दूर जा चुकी है। इहदी फैमिली दे विच्चों आओ एक शख्स होर है जिन्हें सानू इस प्रोग्राम के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, आओ सुनो जरा। नाम बिशार है, मुजरम का नाम नासर है। ये वाकया ऐसे पेश हुआ, मैं अपनी बानी की दवाई लेने गया शहर से, इसकी कॉल आई है कि आप बंद हो। मैंने बताया ऐसे मैं अपनी बांची की दवाई लेना है, साथ में सिस्टर भी थी। इसने कहा आप लोगों की दवाई लेते रहो, हमारे घर में कोई मसला हो गया। तो मैंने कॉल उसने कहा कि मैंने कॉल की है तो कॉल कट गई है। मैं अपने कज़न अपनी बहन के घर आया हूँ, वहाँ से अपने कज़न को लिया साथ में, डेरे पे पहुँचा तो सब फोन में लात पात थे।
और मेरी बीवी में कुछ सांस थे, मसल के हाथ वगैरह से सांस ले रही थी। उसे लेकर वो ही वन फे जब कॉल की ना, पुलिस आई है, पुलिस वाले डाले में डाले ही एम एल अक्सर भी नहीं थी आई। पहले रिश्ता उसका मेरी माँ बाप से था, वो उसका नहीं बना तो मेरा काम था। वो तो मुझे भी बुला रहा था, आओ आओ, मैं चला जाता मुझे भी मार देता। इसे सजा मिलनी चाहिए कि कोई और देख के बिना ये वाकया करे, ऐसी सजा दी जाए कि ये जैसे उनके साथ है इसके साथ भी वैसा होना चाहिए, वहां जाके जो शूट कर दे। जदों इन्हें अपनी भैन ते वार किया, उसे दौरान एदी परजाई ने देखिया मामला सारा ही। वो अपनी ननान नूं बचाने वास्ते जदों ने दौड़ लगाई है ते आके जदों इन्हूं फड़िया, इहदा फिर भी जिहड़ा ज़ालमपन सी ना खत्म ना होया। इन्हें उसे कलाड़ी दे नाल अपनी परजाई ते वार किते, सिर उहदे च कलवाड़ी मारी, उस तों बाद जख्मी होई, जिहड़ा खून दा निकलिया वह भी जमीन ते गिर गई। गिरन तों बाद इस शख्स ने कलवाड़ी दे वार उत्ते बार बार किते ते उन्नू भी उत्थे कतल कर छड़िया। जालम फिर भी ना टलिया, मजीद कलवाड़ी दे वार मजीद करता रहा, मारदा रहा, उन्हां नू खून कढ़दा रहा, जरा जिन्ना भी तरस ना आया। इस जालम शख्स लगातार कतल करता गया, पांच कतल चंद मिनटां दे अंदर इन्हें किते। अपनी मां नू कतल किया, प्यो नू कतल किया, भरजाई नू कतल किया, भैन नू कतल किया, ते पंजवां कतल जिहड़ा इन्हें किया, तुहाडा दिल दहला जाएगा कि इस शख्स ने चन्न वर्गे सोहणे जे नन्ना मुन्ना खेड़दा होया बच्चा, इहदा भतीजा जिहड़ा सी, जदों उहने देखिया कि इहदी फुफ्फी नू, इहदी मां नू जदों कतल करदा पिया चाचा उहदा, ते उहने शोर मचाया। इस शख्स ने जदों इहदे भतीजे ने शोर मचाया ते इहने दूरों कलवाड़ी अपने प्यारे जे छोटे जे बच्चे नू, भतीजे नू अपने नू इहने मारी। जदों उहदे कलाड़ी जड़ी ना सिर ते लगी जदों, तो बच्चा गिर गया। इस जालम ने अपने भतीजे नू भी कलाड़ियां दे वार करके ते उहनू कतल कर दिता। पंजवां कतल इहने उस बच्चे दा कीता। जदों इहदी दूसरी फैमिली दे लोग आए ने, उन्हें देखिया घर के अंदर खूनो खून, हर तरफ खून हो चुके है, कोई शख्स भी अंदर जिंदा नहीं बचिया। मां भी रब की जात नूं जाके मिल चुकी है, बाप भी रब की जात नूं जाके मिल चुकिया है, भैन भी रब की जात नूं जाके मिल चुकी है, भरजाई भी जा चुकी है, ते भतीजा भी जा चुकिया जिहड़ा सोहना जिहा उस विहड़े दे अंदर खेड़दा सी। अहले इलाका इकट्ठे हो गए, उत्थे रिश्तेदार भी आ गए। जो इन्हू तलाश किया है, पुलिस ने इन्हू गिरफ्तार किया, तो इस शख्स ने सारा मंजर जड़ा ना वो पुलिस ने सुना दिता है कि मैं इस वजह तो अपने इस फैमिली नू कतल किया, चंद पैसे की खातर, माँ बाप पैसे ना दे सके, तो इस बंदे ने कतल कर दिया। दोस्तों ते सज्जनों ते मेरे सोहने बेलियो ते मेरे चन्न वर्गे वीरो, रब दी जात को डरियो, अल्लाह दी इबादत करो, नमाज पढ़ो, रब दी जात को डरो। एहो जिहा वाकया होया होवे या एहो जिहा मामला होण तो पहले तुहानू पता चल जावे तो लाजमी तुसी कानून नू याद कर लो, किसी नू जान किसी दी बचा लो, नेकी दा काम है। साडा प्रोग्राम तुसी वेंदे हो, अक्सर असीं अपने प्रोग्राम दे अंदर स्टोरियां लैके हाजिर होंदे आ, तुसीं साडा प्रोग्राम बड़े दिलो जान दे नाल वेंदे हो। मेरी टीम अज मेरे नाल मौजूद है जिला शेखपुरे दे अंदर, जिला शेखपुरे दे अंदर तुहानू जिहड़ी दास्तान होई वो तुहाडे सामने सी रखी। साडा प्रोग्राम तुहानू कैसा लगता है साडे कमेंट बॉक्स दे अंदर चंद गल्लां अपनियां लिख दिया करो, क्योंकि जो तुसीं गल्लां लिखदे हो ना तो सानू बड़ा चंगा लगता है। मेरी कैमरा टीम और इशफाक बट्टी नू दिओ इजाजत, फिर हाजिर होवांगे अगले प्रोग्राम च। रब रखा।